केरिम बीच गाइस। व्यू देखो व्यू। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है, जो ऊपर आसमान है वो भी बहुत अच्छा हो रखा है। ये बीच और भी अच्छा है, सबसे बढ़िया बीच अभी तक का सबसे बढ़िया बीच लग रहा है, इतना सुंदर है ना। क्या बीच है और क्या मौसम है, देख के मज़ा आ गया भाई, बहुत ज़्यादा अलग ही मतलब व्यू बहुत ही अच्छा है, नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे कुछ लोग बैठे अपने से सैंड से कुछ बना रहे हैं, कोई किला बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, बच्चे नहा रहे हैं, लोग नहा रहे हैं, और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट भी बहुत है। एक भाई ने किला बनाया है यहाँ पे, फोटो खींच रहा, दिखाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया बनाया भाई। अरे कितनी देर में बनाया आपने? अरे ऐसा बातचीत कर रहे थे फैमिली, तो ऐसे बच्ची थी ना, उसको ओके एक्सपीरियंस लगते हो आप इसमें? नहीं नहीं भाई, अच्छा। बहुत पहली बार आया हूँ। ठीक है तो बहुत अच्छा बना, थैंक यू। तो ये भैया मिले मुझे सारे यहाँ पे, जो जेट स्की का काम है जिनका यहाँ पे, तो ये अभी हमें बताएंगे क्या रेट वगैरह यहाँ पे क्या है और कैसा माहौल है, मतलब जेट स्की से रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें क्या है। तो भैया आपका जैसे जेट स्की का काम है तो क्या मतलब प्राइसेस वगैरह क्या है और क्या रहता है उसमें, मतलब? प्राइसेस हमारा 500 रुपया है एक जन का। ओके। और लंबा राइड मिलता है। ओके। और अच्छे से और चलाने के लिए मिलता है। अच्छा, कितनी देर तक? ऐसे एक राउंड रहता है, बड़ा चक्कर। अच्छा, रहता है। अच्छा, पूरे बीच में पूरा ऐसे घुमा के लाते हैं। ओके ठीक है। और मतलब ये अलग अलग मतलब जितने जेट स्की का कितने टाइम से कर रहे हैं आप? मैं 13 साल हो गया। अच्छा, 13 साल हो गए इसी बीच पे। ओके, सिंकेरिम बीच। ओके आपके जो सारे साथी हैं साथ आपके साथ पहले से ही हैं? ये अभी अभी आए हैं। ओके, ये सीनियर है, ये सब जूनियर है। अच्छा, ये सीनियर है, ये मेरे से पहला है। अच्छा, ये सीनियर है, ये सीनियर कौन है ये बताओ ना। सीनियर में है लेकिन वाटर स्पोर्ट्स में भी। ओके सर, अभी जैसे कोविड का वो है तो उसमें आपका इस बार क्या कुछ जैसा थोड़ा सा सबका अफेक्ट हुआ है सब? अभी तो फिलहाल के लिए ठीक है, कोविड का तो सबको फर्क पड़ा ही है, बड़े बड़े बिजनेस मैन भी हिल गए। हाँ जी, तो अभी अच्छे चल रहे भगवान के दुआ में। अभी इस सीजन मतलब जैसे न्यू ईयर के टाइम ठीक रहा? हाँ, ये ठीक था। चलो ये लाइफ गार्ड है, इधर सेव करते हैं लोगों को। ओके बहुत अच्छा जॉब भैया, ये सबसे अच्छा काम यही करते हैं भैया। वैसे तो ये इंसान को बचाने वाला भैया है और हम लोग इंसान को मारने वाले भैया है। हम लोग भी इंसान को बचाते हैं। आप कम थोड़ी हो लाइफ सेवर से, मतलब आपको भी पता ही है इतने टाइम से हैं आप। उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमको। हाँ, वो ज़्यादातर यहाँ रहते हैं, आप लोग वहाँ रहते हो। अच्छा, वो तो है ही बहुत। ये भैया थे, इनका जो था इन्होंने व्यक्ति के बारे में बताया, बढ़िया बताया, आपको आगे लेके चलते हैं। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी, मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। तो ये ज्यादा बड़ा बीच नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे इसके राइट में ना ताज होटल आता है, जहाँ आने का रास्ता एक ही है सिर्फ, और उधर जाके वो कनेक्ट हो जाता है कैंडोलिम से, कैंडोलिम बीच पे। ये सिंकेरिम बीच है, बहुत बढ़िया है, ज्यादा बड़ा नहीं है, वहाँ तक जाता है जहाँ तक आपको दिख रहा है के साथ है ताज, ये सारा ताज चल रहा है, सारा ताज है। उधर उसके अगुआर्ड फोर्ट है, अगुआडा नहीं अगुआर्ड। यहाँ पे अलग अलग लोग आके अपने अपने शौक पूरे करते हैं, कोई महल बना रहा है मिट्टी से, कोई लिख रहा है नीचे,
कोई नीचे लिख रहा है, कोई अपने साइन कर रहा है, कोई नहा रहा है। बढ़िया है, अच्छा लग रहा है सबको, मुझे भी अच्छा लग रहा है देख के कि लोग अब थोड़ा थोड़ा जो नया नॉर्मल आ गया है उसकी तरफ जा रहे हैं। बाकी यहाँ बहुत लोग नहा रहे हैं, अभी आप देख पा रहे हैं नहीं, सारे में लोगों के बैठने के लिए लगी हुई हैं। दूर तक एंड तक लगा हुआ है बस, वो वहाँ पे कैलंगूट शुरू हो जाता है वहाँ पे भी लगा हुआ है। तो ये है जी शैक्स के बीच की लाइफ। फिर रात को सारे अलग अलग हो जाते हैं, जगमगा रहे होते हैं सारे यहाँ पे। ये बैठ लेना सर, बैठ, अभी लूँगा अभी लूँगा, बैठ फ्री है सर, कोई बात नहीं, अभी लूँगा, अभी एक मिनट बना लूँ वीडियो। यहाँ पे नया ड्रामा चल गया है, सीट लो, बेड लो, फ्री में मिल जाएगा, हमें मालिश करा लो, खाना खाना खा लो, हर एक का अलग अलग वो है, पर बढ़िया है, एंजॉय तो कर ही रहे हैं लोग। देखिए यही है मेन तो बागा, यहीं पर दोपहर से सुबह से लेके लोग सुबह रात को 4 बजे तक या अगले दिन 4 बजे तक बैठे होते हैं, मज़ा आता है, सब एंजॉय करते हैं। मेन तो यही है शैक्स, बागा इज़ ऑल अबाउट शैक्स, बीच एंड द टीटोज लेन। लो जी फाइनली आ गए आरंबोल बीच, जा रहे हैं उधर की तरफ, दिखा देता हूँ आपको, सारा मिट्टी मिट्टी है। 40 मिनट लगे मापसा से, 40 मिनट 20 किलोमीटर, पहले थोड़ा सा पेट्रोल भी भरवाया, ज़रूरी था, ख़त्म हो गया था, वो भरवाने के बाद यहाँ पहुँच गए हैं। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो बस दिखाते हैं आपको, बीच प्यारा लग रहा है। जो फॉरेनर्स हैं वो काफ़ी विज़िट करते हैं इस बीच को, तो वो भी देखेंगे आपको। अब धीरे धीरे हवा शुरू हो गई है, आपको पता नहीं आवाज़ आए ना आए, बट लेट्स सी। ये बढ़िया है मौसम, बहुत बढ़िया यार, आज क्लियर स्काई है बिल्कुल, कल थोड़ी बारिश हो गई थी रात में, आज क्लियर स्काई है बिल्कुल। बीच के फ्रंट पे कैसा है क्या है, रेता हो रहा है एकदम गरम, इतना गरम रेता है कि मक्की का भुट्टा होता ना जो, वो सिक जाए इसमें आराम से, प्यार से। तो बढ़िया है यहाँ, यहाँ तक आगे तक पानी आया हुआ, यहाँ पे शायक है, लोग खा रहे हैं बैठे हैं। बढ़िया बीच है, हवा की वजह से शायद आपको आवाज़ ना आ रही हो, बट बीच प्यारा है, शांति है बड़ी। टाइट ज़्यादा नहीं है, टाइट ज़्यादा नहीं है अभी तो, बाकी तो मैं चला हूँ अभी स्वीट लेक की तरफ, आरंबोल स्वीट लेक, फेमस लेक है काफ़ी, कहते हैं कि उसका पानी जो है वो स्वीट है, सॉल्टी नहीं है, पर वैसे सॉल्टी होता है, ये भी मनप्रीत ने बताया मुझे। और यहाँ से 25 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस वॉकिंग है वो,
यहाँ से स्वीट लेक तक, और बाय बीच ही जा सकते हो तुम यहाँ से। ट्रैकिंग होती है थोड़ी बहुत बाय बीच, उसका रास्ता है, स्कूटी नहीं ले जा सकते, गाड़ी नहीं जाती, तो यही चक्कर है उसका। जाते हैं दिखाते हैं। अभी हुआ ये कि एक कपल जा रहा था, उनको किसी ने बोल दिया होगा कि 2 to 3 minute की वॉक है बीच से एरम्बोल स्वीट लेक की, बट इट इज़ लाइक 25 minutes। तो वो थोड़ा वो भी परेशान हो गए, घूम रहे थे। बाकी तो यहाँ पे है समुद्र का पानी, उधर पेड़ों के पीछे है लेक, स्वीट लेक ऑफ एरम्बोल। दिस इज इट, स्वीट लेक ऑफ एरम्बोल। नहाने की जगह है। स्वीट लेक ऑफ एरम्बोल, मीठा पानी लेक का, कितना मीठा ये नहीं पता, मीठा है कैसे ये भी समझ नहीं आता।